हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 20 सितंबर के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, जिन्हें 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये अवार्ड किसको दिया गया है, इस साल ये दिया गया है मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। ये कौन है, ये कैनेडियन राइटर है जिनको इस बार का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। डे में वुड का काम करो, रात में नहीं होता। डे में वुड का काम करो, रात में नहीं होता। डे डे से बनेगा डेटन लिटरेरी पीस प्राइज की बात हो रही है, और रात और वुड से क्या बनेगा, मार्गरेट एटवुड को नाम बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे सतत विकास लक्ष्यों के लिए 17 युवा नेताओं की संयुक्त राष्ट्र की 2020 की सूची में चुना गया है। नेम द इंडियन हु हैज बीन सिलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशन 2020 लिस्ट ऑफ 17 यंग लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDGs। और जिसको इस बार के लिए चुना गया है इन 17 युवा नेताओं के अंदर जो भारतीय हैं, उनका नाम है उदित सिंगल। क्या नाम है उनका, उदित सिंगल। और वो कौन है, ही इज अ फाउंडर ऑफ ग्लास टू सेंड, अ जीरो वेस्ट इकोसिस्टम दैट एड्रेसेस द ग्रोइंग मेनेंस ऑफ ग्लास वाटर इन दिल्ली। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। उरी बाबा, तुझे चूज किया है इस लिस्ट में, उरी बाबा से बनेगा उदित सिंगल, और उरी से बनेगा यूनाइटेड नेशन की लिस्ट, जिसके अंदर जो पहले भारतीय बने हैं जिनको चूज किया गया है लिस्ट के अंदर, उनका नाम है उदित सिंगल, जो यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लीडर की लिस्ट है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। बाबू सिवान किस फिल्म उद्योग से एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। बाबू सिवान वॉज अ रिनोन्ड डायरेक्टर फ्रॉम विच फिल्म इंडस्ट्री, और वो कौन से हमारे डायरेक्टर थे, वो थे तमिल फिल्म मेकर थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। बाबूजी के सिवा कोई अच्छा फिल्म मेकर नहीं था। बाबूजी के सिवा यानी कि बाबू सिवान जो तमिल फिल्म मेकर थे, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, और ये कौन सी सरकार ने शुरू की है, ये की है गुजरात सरकार ने शुरू की है। सबसे पहले गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री और गुजरात के हमारे राज्यपाल, गुजरात के जो हमारे सीएम हैं उनका नाम है विजय रूपानी जी, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। अब स्कीम के बारे में डिटेल देख लेते हैं। स्कीम विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू वुमेन हेल्प ग्रुप्स इन द स्टेट, एंड अंडर दिस स्कीम 50,000 ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड अर्निंग ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड इन अर्बन एरियाज एज वेल एज सिमिलरली 50,000 सच ग्रुप्स विल बी ऑल्सो फॉर्म्ड इन रूरल एरियाज ऑल्सो। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। महिलाओं पे बनी योजना पूरे गुजरात में बहुत काम करती है, यानी कि महिला उत्कर्ष योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है, गुजरात सरकार ने शुरू की है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नया वर्टिकल एमर्जिंग एंटरप्रेन्योरनेस बिजनेस लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड द न्यू वर्टिकल एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, यानी कि ईईबी किसने लॉन्च किया है, और ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, ये किया है बंधन बैंक ने लॉन्च किया है। सबसे पहले बंधन बैंक का हेडक्वार्टर, इसके एमडी सीईओ और इसकी टैगलाइन। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। इसके जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। मैं नाम लिख देती हूँ, चंद्रशेखर घोष। और इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, इनकी टैगलाइन है। अब इसके बारे में देखते हैं, जो एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस है ये क्या है। इट विल फोकस ऑन स्मॉल बिजनेसेस एंड इट विल फोकस ऑन माइक्रो लोन्स, माइक्रो होम लोन्स, बाजार लोन्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस पे इनका मेन फोकस रहेगा। कुमार आशीष हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, जो इन्होंने एक पोर्टल या शुरू किया है
ईईबी उसके जो हेड चुने गए हैं वो बने हैं हमारे कुमार आशीष जी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बांध दिया बैंक ने अपने कस्टमर्स को कि इससे ही बिजनेस करो, यानी कि बांध दिया, यानी कि बंधन बैंक ने एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। किसे मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? हरसिमरत कौर बादल हैज रिजाइन एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। और किनको एडिशनल चार्ज दिया गया है? वो दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है, जो हमारे क्या है, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर है, जिनके पास अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भी चार्ज होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है हमारे पास जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नाम क्या है? हु रिप्रेजेंट इंडिया एट 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी। और भारत की तरफ से जिन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उनका नाम है अजीत दोवल। और अजीत दोवल कौन है? अजीत दोवल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, और ब्रिक्स का जो इस बार की मीटिंग हुई थी वो किसने होस्ट की थी? वो होस्ट की थी रशिया ने। ब्रिक्स किन 5 कंट्री से मिलकर बना है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से बना है। और इन्होंने एक्सचेंज किए व्यूज ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म बिसाइड्स डेलिब्रेटिंग ऑन ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज पे। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सारा कुछ अजीत ने सिक्योर कर लिया रशिया में जाके ब्रिक्स के मीटिंग में, यानी कि सारा कुछ सिक्योर कर लिया, यानी कि सिक्योरिटी बेसिस पे जो मीटिंग की गई है ब्रिक्स की, 10th मीटिंग जो रशिया के अंदर होस्ट हुई, रशिया ने होस्ट की, वहां पे भारत की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत को, वो थे अजीत दोवल जी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया है? यह सिस्टम ग्राहकों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, भले ही वे कहां भी रहते हों। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0। द सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू कस्टमर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे रिजाइड। और ये कौन से बैंक ने शुरू किया है, लॉन्च किया है? ये किया है हमारे केनरा बैंक ने, इसको लॉन्च किया है। सबसे पहले केनरा बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी सीईओ। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसके जो एमडी सीईओ हैं, उनका नाम है एल वी प्रभाकर। और जो इसकी टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन क्या है इसकी टैगलाइन है। अब जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, जो सिस्टम लॉन्च किया है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा? कस्टमर्स कैन इंक्वायर एंड गेट सर्विसेज रेंडर्ड थ्रू सिंपल मोड्स सच एज इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे हमारी मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे कॉल सेंटर या SMS या हमारी मिस कॉल सेवाएं हो। एंड इट इज बींग इंट्रोड्यूस्ड विद द मोटिव ऑफ बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद बोथ न्यू कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू द बैंक। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आई कैन लीड आई और लीड से बनेगा आई लीड सिस्टम जो इन्होंने लॉन्च किया है, और कैन से केनरा बैंक जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा इन हूज नेम। और ये किनके नाम पे रखा जाएगा? ये रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे। देखो, यूपी में सबसे ज्यादा शिवजी के मंदिर, यानी कि मुगल म्यूजियम जो है यूपी का, वो अब किसके नाम पर हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हो जाएगा। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? With which country America has signed a defense cooperation framework to ensure peace and security in the Indian Ocean? और अमेरिका ने जिसके साथ समझौता किया है वो कंट्री है हमारी मालदीव्स। सबसे पहले मालदीव्स की कैपिटल और करेंसी। मालदीव्स की कैपिटल है माले, ये क्या है इसकी कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है रुफिया। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। माल लेके वो रू अफजा लाया, माल से मालदीव्स और माले जो इसकी कैपिटल भी है और कंट्री का नेम भी है, और रुफिया से बनेगा रू अफजा। ठीक है, अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के उनका नाम भी देख लेते हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद सुल्ली। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व जल निगरानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? When World Water Monitoring Day is celebrated, और ये दिन मनाया जाता है 18 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 18 सितंबर को हम मनाते हैं वाटर मॉनिटरिंग डे। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। 2018 से पानी पे कैंपेन चल रहे हैं, यानी कि 2018 से वाटर को बचाने के लिए अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं, यानी कि 18 सितंबर को हम वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाते हैं। आज हमने 20 सितंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पे आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।